मैं मंजू खेमका आज आपके लिए शाही पनीर बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, चार बड़े टमाटर लिए हैं, धनिया, हरा धनिया और अदरक, हरी मिर्च, काजू, ठीक है, ऑयल है, हाँ, और इसके लिए मैंने मसाले हैं, ये स्वादानुसार मसाले बता रही। इसके लिए मैंने नमक, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर और गरम मसाला हल्का सा, ये टमाटर और हरी मिर्च, अदरक, धनिया, ये सब हम पीस लेंगे, काजू वगैरह सब मिला के मिक्स करके पहले मिक्सी में पीस लेंगे और इसके छोटे छोटे पीस करेंगे इस तरह। लंबे लंबे काट रहे, थोड़ा सा पीस हमने बचा के रखा है जिससे ऊपर से इसको कद्दूकस करके डाल देते हैं। हमने पीसेज करके इस तरह से डाले हैं गर्म पानी में, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएगा एकदम और कलर भी अच्छा आएगा हमारा शाही पनीर का। अब आपने इसमें क्या क्या डाला है? काजू, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक। ठीक है, अब सबको आप ब्लेंड कर रहे हो। ये हमने एक पैन लिया है, इसमें हम ये गर्म कर और इसमें ऑलिव ऑयल डाला है, जीरा डाला है पहले। अब ये हमारा जीरा हो चुका है, अब इसमें हम एकदम अच्छे से ब्लेंड हो गई है, जीरे में ज़्यादा बारीक लेनी चाहिए, इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी फिर। हमारी ये ग्रेवी बनके हो गई है तो हम अब इसमें दूध डालते हैं, जब ग्रेवी अच्छी से हो जाए। गरम बॉयल नहीं पर गरम दूध डाला है हमने, अच्छे से मिक्स कर दें। अब हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, काफ़ी हमने उबाला है इसको, अब हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले साल डालेंगे, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 गरम मसाला और अगर आप लाल मिर्च ना डालें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। हाँ, ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है इसमें, अभी थोड़ा गाढ़ा और हो जाएगा। अगर कोई मीठा, ऐसे शाही पनीर मीठा होता है तो हम इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून चीनी भी डाल देते हैं। हमारा पनीर इस तरह से सॉफ्ट हो गया है, इसको हम डाल देंगे और ये रंग भी कितना सुंदर आया है, येलो येलो हो गया है हमारा पनीर। अच्छी कंसिस्टेंसी ना तो एकदम, ग्रेवी भी बड़ी इसकी ज़्यादा पीसना चाहिए, बारीक तो बहुत अच्छा होता है। ये हमारा पनीर बनके तैयार हो गया है, शाही पनीर। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कद्दूकस करके, जो पहले आपने एक ब्लॉक रख लिया था, स्लाइस रख ली थी, हाँ सही, और हरा धनिया डालो। हरा
बहुत सुंदर लग रहा है, कलर भी बहुत सुंदर आया। हमारा शाही पनीर बनके तैयार हो गया है। इसे नान से, रोटी से, परांठे से, किसी से भी अच्छे से खा सकते हो। ठीक, बहुत टेस्टी बना है। सही।